बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो वेकेशंस अर्ली हो गई हैं, तो अब हमारी आज फर्स्ट क्लास है। इसी सिलसिले में ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस हुआ करेंगी डेली। उसी टाइम पर आप लेक्चर रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब। हमारा एक चैनल है कॉलेज का, जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है वो लेक्चर आपका रिसीव हो जाएगा डेली बेसिस पर, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हम ब्रायोप्सिडा की क्लासेस पढ़ रहे थे, ब्रायोफाइटा के मेंबर्स में से लास्ट हमारा मेंबर है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम की अगर हम बात करें तो हम इसे हेयरी कैप मॉस भी कहते हैं। एज वी ऑलरेडी नो कि हम हर एक की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन ही गिवन है। सिस्टमेटिक पोजीशन दी हुई है, डिवीजन है पॉलीट्राइकम की ब्रायोफाइटा, क्लास है ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर है ब्राइडी, सब ऑर्डर है पॉलीट्राइकेलिस, फैमिली है इसकी पॉलीट्राइकेसी और जीनस है पॉलीट्राइकम, ठीक है? ये आपको पॉलीट्राइकम की डायग्राम दी हुई है। एज आई जूम, ये इसका जो है वो प्लांट बॉडी है। प्लांट बॉडी में आपने अभी तक पढ़ा है कि बेसिकली ब्रायोफाइट्स के जितने भी मेंबर्स हैं सब में डोमिनेंट जो है जनरेशन दैट इज गेमिटोफिटिक जनरेशन, और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो सेमी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर भी क्योंकि हमने इससे पिछला मेंबर जो एंथोसेरस का पढ़ा था उसमें आपने यही स्टडी किया था कि वो सेमी इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसमें मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं जिसकी वजह से वो ग्रो करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। और साथ साथ अगर आप देखें तो हमने पढ़ा था कि उसमें क्लोरोफिल की डेवलपमेंट हुई हुई होती है, और क्लोरोफिल की डेवलपमेंट की वजह से वो सेमी इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं रहता थ्रू आउट द लाइफ। तो पॉलीट्राइकम में अगर आप देखें तो पॉलीट्राइकम में भी गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दो जनरेशन एग्जिस्ट कर रही हैं। ये जो लोअर पार्ट आपको सारा नज़र आ रहा है डेट इज़ गेमिटोफिटिक पार्ट, वेयर इज अपर पार्ट जिसमें फूड सीटा और कैप्सूल आपको ये नज़र आ रहा है दैट इज स्पोरोफिटिक पार्ट, ठीक है? तो हमारे पास इसमें अकरेंस मैंने सबसे पहले बताया है 92 स्पीशीज़ हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं जहाँ इन्वायरमेंट थोड़ा सा कूल है, कूल शेडी प्लेसेस में ये ग्रो करती हैं। इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, आप इनमें से कोई एक याद कर लें। पॉलीट्राइकम डेंसीफोलियम जो बहुत ज़्यादा डेंस है और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो है वो उन्होंने आपको नेक्स्ट प्लांट बॉडी के बारे में बताया हुआ है कि प्लांट बॉडी बेसिकली इसकी डिफरेंशिएटेड है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके राइजॉइड्स की। राइजॉइड्स में अगर आप देखें तो राइजॉइड्स इसके मोर और लेस साइज में लॉन्ग है, वैसे इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग एग्जिस्ट करती है। दे आर थिक वॉल्ड, सेप्टेट होते हैं, जैसे आपने फंगल हाइफी पढ़े कि वो सेप्टेट होते हैं, बीच में क्रॉस वॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। कहाँ से अराइज हो रहा है? इट इज़ अराइजेस फ्रॉम अ राइजोम। राइजोम क्या होता है? राइजोम बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम है जहाँ से ये अराइज हो रहा होता है, इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं कि ये अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम का नाम देते हैं। तो ये राइजोइड्स हैं, इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर अभी फिलहाल नहीं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर रूट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइजोम की, जैसे हमने कहा इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है? तो ये अंडरग्राउंड पोर्शन है जो कि अराइज होता है फ्रॉम अ एरियल लीफी शूट। ऊपर सारा आपने देखा गेमिटोफाइट है पॉलीट्राइकम में, जिसमें लीफी लीफ लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ उस वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर राइजोम से ही है बेसिकली अराइज हो रहा है। एरियल शूट की बात करें तो एरियल शूट जो है वो राइजोम से अराइज हो रही है, 20 to 25 मीटर इन लेंथ है। लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है वो राइजोम में कलरलेस होते हैं इन्हें हम, और साइज़ इनका बहुत छोटा होता है इसलिए हम इन्हें स्केल लीव्स कहते हैं। इसके अलावा ये लीव्स ब्रॉड हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इन्हें जो है अगर आप देखें तो ये बेसिकली लॉन्ग एक्सिस पर ग्रो किए हुए होते हैं शूट के ऊपर, और कलरलेस है, मेम्ब्रेनस बेसिंग बेस शीदिंग यहाँ पर मौजूद है जो इन लीव्स के इर्द गिर्द इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोड्यूस ये करते हैं सेक्शुअली, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है इन्होंने दो अपने सेक्स ऑर्गन्स बनाने हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एक ही थैलस पर भी हो सकते हैं और डिफरेंट थैलस पर भी हो सकते हैं। पॉलीट्राइकम की मोस्टली स्पीशीज डायोशियस हैं। डायोशियस मीन कि आपके पास जो दो थैलस हैं प्लांट के वो अवेलेबल होंगे, एक मेल प्लांट होगा एक फीमेल प्लांट होगा, मेल पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल पे फीमेल सेक्स ऑर्गन एग्जिस्ट करेगी।
ये जो जितने भी आपके पास हैं सेक्स ऑर्गन्स, ये अराइज करते हैं द टिप ऑफ द लीफी गेमीटोफोर। इसमें बेसिकली जो गेमीटोफाइट का प्लांट है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वही एग्रीगेट होकर गेमीटोफोर बनाते हैं, और उस लीफी गेमीटोफोर पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लग जाता है एट द टिप, ग्रुप्स की फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट आपको पता है हम पढ़ते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे मेल वो ग्रो करेगा ऑन मेल गेमीटोफोर। अब ये जो मेल गेमीटोफोर है उसमें अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया डेवलप हो रहे हैं। लीफ ऑफ एंथ्रीडियल ग्रुप्स जो है वो बेसिकली कलर्ड हैं, और जहाँ पर ये एपिक्स के ऊपर ग्रो करते हैं ये एंथ्रीडियल ग्रुप कलर्ड होते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाई हुए में इन अ पेरियंट लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर ऑन एज एन ओपन फ्लावर। आप इसको ओपन फ्लावर कह सकते हैं। पेरियंट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हम अगर ओरिजिनली टर्म में देखें, ओरिजिनल टर्म देखें फ्लावर की, तो आपने पता है ग्रीन सेपल्स होती हैं और कलर्ड पेटल्स होती हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इनमें से सेपल कौन सी पेटल कौन सी। लेकिन अगर आप फ़र्क मालूम ना कर सको इनमें, तो फिर हम उन्हें नाम देते हैं पेरियंट का, यानी वो आपस में इस तरह जुड़ी हुई है, फ्यूज हैं, इनका स्ट्रक्चर एक जैसे कि आप फ़र्क नहीं बता सकते कि इनमें कैलिक्स कौन सा है और करोला कौन सा है। ठीक है, तो वो पेरियंट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ओपन फ्लावर, और इसे हम कंपाउंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब आपने देखा कि हमेशा प्रोटेक्शन के लिए इन सेक्स ऑर्गन्स के इर्द गिर्द कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए जो है चीज़ वो क्या है, डेट इज स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम पैराफाइसिस कहते हैं। अब वो जो पैराफाइसिस हैं बेसिकली उनका काम यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट किस लिहाज से करना है कि जब इन्वायरमेंट ड्राई हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशन भी तो आ जाती है, वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है या सीज़न चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ड्राइंग का प्रोसेस होता है, तो इन्हें सेक्स ऑर्गन को ड्राई होने से बचाना है। फिर यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम दिया हुआ है, एज़ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर फोकस किया है। ये वाला जो एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर है बेसिकली इसमें आप देखें ये जो है वो एक स्टॉक है। ठीक है, शॉर्ट स्टॉक है बिल्कुल, इसके ऊपर ये पूरा क्लब शेप स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, क्लब शेप स्ट्रक्चर है ये। आपको उन्होंने बाहर दिखाया भी हुआ कि इसके इर्द गिर्द जैकेट लेयर ऑफ सेल है। ठीक है, ये जैकेट लेयर ऑफ सेल इनको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम एनी हार्म। फिर यहाँ पर अंदर ये जो है ये सारा मटेरियल डेट इज स्पोरोजीनस सेल्स, ये स्पोरोजीनस सेल्स बाद में एंथीरोजॉइट्स डेवलप करेंगे। ठीक है, अच्छा ये इसको आप सॉरी स्पर्मेटोजीनस सेल्स आप इन्हें नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है जो यहाँ एंथीरोजॉइट्स कहलाते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में देखें तो मैच्योर स्पोर एंथ्रीडियम इन्होंने यही बताया हुआ है, बेसिकली क्या है उसकी शॉर्ट स्टॉक है और क्लब शेप्ड बॉडी है ऊपर जिसमें स्पर्मेटोजिनस सेल्स मौजूद हैं, उसके इर्द गिर्द जैकेट लेयर ऑफ सेल है। अच्छा, इसके ऊपर एक और भी फीचर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है कि ये जो इसके एपिकल सेल्स हैं बेसिकली ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ऑपरक्यूलम का नाम देते हैं। वो ऑपरक्यूलम जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो उसमें थिक वॉल्स होती हैं और बेसिकली उसका काम यहाँ पर ओपनिंग का है। ठीक है, जब जब ज़रूरत होगी वहाँ से ओपन हो जाएगा ये एंथ्रीडियम। फिर इन्होंने यहाँ पर बताया कि बेसिकली इसमें एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्मेटोजीनस टिश्यूज और जो जैकेट लेयर ऑफ सेल है उनके दरमियान में एक फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा है। वो फ्लूइड जो है वो हाइड्रोलिक रैम का काम कर रहा है, ब्रेक्स का। ठीक है, प्रेशर ब्रेक। ठीक है, उसने क्या करना है कि जैसे ही स्पर्म मेच्योर हो चुके होंगे, एंथ्रीडियम मेच्योर हो गया है, तो फौरन से रिलीज के टाइम पर उसने बर्स्ट हो जाना, और उसके बर्स्टिंग से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो स्पर्म्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उन्होंने अपने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस नहीं करने, नेक्स्ट हमारे पास फिर फीमेल गेमीटोफोर आ जाता है। फीमेल गेमीटोफोर में अगर हम देखें तो आर्चिगोनिया डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप अगेन, जिसे हम कहते हैं कि वो फीमेल गेमीटोफोर बना रहा है, फीमेल गेमीटोफोर के ऊपर वो डेवलप हो रहे हैं। इसमें जो आर्चिगोनिया है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होगी, जो कि बेसिकली मेम्ब्रेन आप कह लें या आप उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कह लें, जो लीव्स की मदद से होती है, उसे हम पेरिकेशियल लीव्स कहते हैं। पेरिकेशियल लीव्स के हैं, दीज आर लीफी इनवोल्यूकर। आपने पीछे भी हर एक स्पोरोफिटिक जनरेशन में देखा है कि उनके स्पोरोगोनियम के इर्द गिर्द कुछ लीफ लाइक ब्रांचेज एग्जिस्ट कर रही हैं, ब्रेक्स आप कह सकते हैं, आप उन्हें इनवोल्यूकर कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। उन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स का बेसिकली फंक्शन क्या है कि उन्होंने थ्रू आउट जब तक भी
स्पोरोगोनियम मौजूद है, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करते रहना। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स के इर्द गिर्द बेसिकली ये लीफी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर वो आपको बताते हैं नेक्स्ट वन, ये लीफी इन्वोल्यूकर है जिसे पेरिकेशियल लीव्स कहते हैं। ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम पेरिकेशियम का नाम देते हैं। एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस की तरह यहाँ पर भी, एंथ्रीडिया की तरह जैसे एंथ्रीडिया में आप देखा कि स्टीराइल पैराफाइसिस एग्जिस्ट करते, बिल्कुल उसी तरह फीमेल के मीटोफोर में आर्चिगोनिया के इर्द गिर्द भी इसी तरह पैराफाइसिस मौजूद है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया का डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इसमें उसी तरह जितना अभी तक पिछले मेंबर्स में आप पढ़ते आए हो कि ऊपर जो है वो एक लॉन्ग नेक है, लॉन्ग नेक है जो समटाइम ट्विस्टेड होती है, इतनी लेंथी होती है कि वो ट्विस्ट कर जाती है। और उसके बाद जो है ये नीचे स्वेलन पार्ट है जिसको हम वेंटर कहते हैं। ये नेक के केनाल सेल्स हैं जो नेक को बनाया हुआ है, और ये वेंटर केनाल सेल्स हैं जो वेंटर बनाया हुआ है। सेंटर में ये जो पोर्शन नजर आ रहा है डेट इज एक्स सेल। ठीक है, तो ये एक्स सेल जो है वो बेसिकली यहाँ पर जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होती है एंथीरोजॉइट की। ठीक है, तो आर्चिगोनिया के स्ट्रक्चर में 3 to 6 आर्चिगोनिया को हमने कहा ग्रुप की फॉर्म में ये फीमेल गेमिटोफोर पर डेवलप कर रहे हैं। लॉन्ग नेक है जो ट्विस्टेड होती है, समटाइम बेसल स्वेलन पार्ट है जिसे हम वेंटर कहते हैं। नेक जो है उसमें 6 वर्टिकल रोज हैं। किस चीज़ की वर्टिकल रोज हैं? वो सेल्स हैं असल में जो कि नेक केनाल सेल्स कहलाते हैं। जबकि वेंटर में भी इसी तरह से वेंटर केनाल सेल्स हैं और साथ में एक्सेल मौजूद है। ये जो है वो एक शॉर्ट स्टॉक के साथ फीमेल गेमिटोफोर पर अटैच होता है, नीचे इसकी स्टॉक होती है। ठीक है, फिर अगेन डेवलपमेंटल प्रोसेस आपने नहीं करना, फर्टिलाइजेशन आ जाती है। फर्टिलाइजेशन में अगर आप देखें तो प्लांट्स जो है ये फर्टिलाइजेशन आपने हमेशा पढ़ा है, ब्रायोफाइट्स के सारे मेंबर्स को फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत है, तो वेट प्लेसेस में इसीलिए ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ मॉइस्चर अवेलेबल हो थोड़ा बहुत। तो बायोफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइट आफ्टर मेच्योर होने के बाद वहाँ से रिलीज हो जाएंगे एंथ्रीडियम से, और वह एंथ्रीडियल वॉल को रप्चर करेंगे और बाहर स्विम करते हुए आ जाएंगे। और उसके बाद जो है बेसिकली वाटर की मदद से आर्चिगोनिया तक पहुँचेंगे। अब एंथीरोजॉइट्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं हमेशा नेक ऑफ आर्चिगोनिया से। अब वो अट्रैक्शन किसकी वजह, या तो म्यूसिलेजरस मटीरियल होते हैं, यहाँ पर जो मटीरियल है डेट इज शुगरी सब्सटेंस। ठीक है, चिपकने वाला म्यूसिलेजनस है लेकिन शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं एंथीरोजॉइट्स। फिर जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पर्म वेंटर में एंटर होता है और फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बन जाता है, यानी कि जाइगोट बन जाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जिसे हम ऊ स्पोर कहते हैं, और ऊ स्पोर ने फर्दर ये गेमिटोफिटिक जनरेशन जिसमें आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया बन रहा था गेमीट्स, तो फाइनली गेमीट बनाने के लिए एंथीरोजॉइट्स और एक्सल गेमीट्स थे। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये हैप्लॉयड इन जनरेशन थे, गेमिटोफिटिक जनरेशन। नाउ जब जाइगोट बना तो वो हो गया डिप्लॉयड, और जिसे हम ऊ स्पोर कह रहे हैं, और वो डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट के अंदर। नेक्स्ट कैलिप्ट्रा फॉर्मेशन आ जाती है। कैलिप्ट्रा के अंदर अगर आप देखें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल्स जो हैं वो एक पॉइंट पे जहाँ जंक्शन है वेंटर और स्टॉक का वहाँ पे रैपिड वीएन स्टार्ट कर देते हैं, और रैपिड वीएन जैसे ही स्टार्ट होती है वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम कैलिप्ट्रा का नाम देते हैं। इस कैलिप्ट्रा के अंदर असल में स्पोरोफाइट जो है वो इनक्लोज होता है। अब कैलिप्ट्रा जो है वो थिक वॉल्ड प्रोटोनीमा लाइक ब्रांचेस में डेवलप होता है जो कि बाद में राइज होगा फ्रॉम वेंटर आफ्टर फर्टिलाइजेशन और स्पोरोफाइट बना लेगा। ठीक है, कैलिप्ट्रा इसका कौन सा पोर्शन है ये अगर आप देखें इसकी डायग्राम के अंदर, तो ये कैलिप्ट्रा असल में ड्यूरिंग जर्मिनेशन बन रहा है यहाँ पर, और ये इसी तरह बीक लाइक पोर्शन होता है जिसके अंदर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद है। लेकिन ये कहाँ पर होता है? लोअर पार्ट में जहाँ पर वेंटर कंबाइन हुआ हुआ होता है स्टॉक के साथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली नेक्स्ट वन जो है वो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है वो आगे फॉर्म होगा। स्पोरोफाइट जो है वो बेसिकली क्या है, और इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, ये फूट सीटा और कैप्सूल बनाएगा आगे फर्दर। ठीक है, अब जो फूट सीटा और कैप्सूल है उसके अंदर अगर हम बात करें तो फूट जो है यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो वेल डिफरेंशिएशन नज़र आ रही है फूट सीटा और कैप्सूल की। ठीक है, तो फूट जो है डेट इज़ अ मैसिव फूट, वो हमेशा मैसिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका काम जो है यहाँ पर है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है,
न्यूट्रिएंट जितना ज़्यादा बेस्ट तरीके से वो एब्जॉर्ब कर सकता है वो फूड करता है, क्योंकि फॉर अ शॉर्ट जनरेशन फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड उसने जो है वो डिपेंडेंट रहना है गेमिटोफाइट के ऊपर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर अगर हम बात करते हैं तो सीटा की बात करते हैं। सीटा जो है वो बेसिकली लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है वो कंडक्टिंग स्ट्रैंड के तौर पे काम करे, ग्रीन इन कलर होता है। कंडक्टिंग स्ट्रैंड के जितने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है फूड उसको इसने अपर पार्ट कैप्सूल तक पहुंचाना है, ठीक है। कैप्सूल जो है वो खुद यंग है, ग्रीन इन कलर है, ओवल इन शेप होता है और उसके ऊपर एक कॉनिकल कैप है बेसिकली। तो ये मैन्युफैक्चर कर रहा होता है फूड, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसने अपने अंदर थोड़ी सी क्लोरोफिल की डिवेलपमेंट की हुई है। कैप्सूल को हम इसके थर्ड थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज एपोफाइसिस, सेकेंड वन इज थीका, दैट इज द स्पोर बेयरिंग जोन, और थर्ड वन इज ऑपरक्यूल। तो इसका थीका पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे पॉलीट्राइकम का जो स्पोरोगोनियम वाला पार्ट है यानी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना। अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो एपोफाइसिस की बात करते हैं। सबसे पहले एपोफाइसिस क्या है? एपोफाइसिस जो है वो बेसल पार्ट है कैप्सूल का, जो स्टीराइल है, जिसे हम एपोफाइसिस का नाम दे रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें डेवलप हुआ हुआ था, इसलिए मेन फोटोसिंथेटिक रीजन है ये। इसमें स्टोमेटा लाइक अपर्चर्स भी होते हैं ताकि ये ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करके फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करें। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है इसके स्ट्रक्चर को, या आप देख लें इसमें जो है ये वाला पार्ट डेट इज एपोफाइसिस, इसके नीचे ही सीटा मौजूद है। एपोफाइसिस में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट रीजन मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा। ऊपर ये थीका है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, और ये ऊपर ओपनिंग वाली लिड है जिसको हम ऑपरक्यूलम का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर अगर हम देखें तो सीटा जो है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन फुट, और स्पोरोगोनियम के जो है वो इसके ऊपर ही रेस कर रहा होता है। लॉन्ग जितना ज़्यादा लॉन्ग सीटा होगा उतना ही स्पोरोगोनियम बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसलिए सीटा के हवाले से मैंने बताया कि वो नीचे मौजूद है, सीटा जितना लॉन्ग होगा ऊपर ये उतना ही ज़्यादा लॉन्ग होगा। हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ थीका। थीका जो है वो मिडल पार्ट है बेसिकली, इसमें बहुत सारे डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं तो हमें समटाइम लगता है कि ये पॉलीगोनल है, बहुत सारे कॉर्नर्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल अगेन मौजूद है, जिसकी वॉल बाहर से थिक है, और इसके अंदर जो है वो दो लेयर दो वॉल होती हैं, आउटर एंड इनर। इनर में एक खास जोन एग्जिस्ट करता है जिसको हम लेक्यूना कहते हैं, असल में उसमें एयर स्पेसेस होती हैं, ठीक है। स्पोर सैक है क्योंकि ये तो स्पोर्स के दोनों साइड्स पर, आउटर और इनर साइड्स पर दो थिक वॉल लेयर्स हैं, थिन वॉल लेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें स्पोरोजीनस सेल्स होंगे, उनका काम है स्पोर्स की डेवलपमेंट करना, ठीक है, तो ये स्पोर्स बना रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कॉल्यूमेला है। कॉल्यूमेला बेसिकली सेंट्रल पार्ट है, स्टीराइल पार्ट होता है, जिसके इर्द गिर्द जो है वो स्पोर बेयरिंग सेल्स होते हैं, स्पोर सैक्स होते हैं, ठीक है। स्पोर सैक्स जो हैं वो स्पोर से फिल हुए हुए होते हैं, और आफ्टर मियोसिस स्पोर मदर सेल्स स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखें स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन थी जो जायगोट से बनी, आगे स्पोर मियोसिस से बन रहे, हर एक ने स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड था उसने मियोसिस की हैप्लॉयड स्पोर्स बनाने के लिए, ठीक है। अब हैप्लॉयड स्पोर में कैलिप्ट्रा की फॉर्मेशन हो रही है, कैप है कैलिप्ट्रा असल में जो कि कैप्सूल के ऊपर मौजूद है, और ये तकरीबन हाफ पार्ट रिप्रेजेंट कर रही होती है स्पोरोगोनियम का, ठीक है। ये स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर है, आपने थ्योरी में और प्रैक्टिकल दोनों में अच्छी तरीके से करना है। ये वाला पार्ट इसका सीटा है, ये एपोफाइसिस है, ठीक है, यहाँ पर ये स्टोमेटल अपर्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, जो हम बात करते थे वो एयर को स्टोर करेंगे, इसमें क्लोरोप्लास्ट है। फिर ये ऊपर वाला जो जोन है सारा, ये ऊपर वाली कैप ओपरक्यूलम है, ठीक है, इसमें ही कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर जिसे हम एपीफ्रेगम कहते हैं। इस एपीफ्रेगम में ये नीचे टीथ लाइक स्ट्रक्चर जिसे पेरिस्टोम का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें यह रिम मौजूद है जो कि इसकी डिस्पर्सल में भी हेल्प करेगी। अब ये वाला बाकी सारा पार्ट अगर आप देखें तो ये कैप्सूल की वॉल है, ठीक है, ये ट्रेबिकुले हैं इसके अंदर जो मौजूद हैं खास किस्म के स्ट्रक्चर, ये स्पोर सैक्स हैं जिनमें स्पोर्स बन रहे हैं इनर वॉल में, और ये इसकी जो है वो आउटर वॉल मौजूद है, और ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉल्यूमेला। ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, ये कॉल्यूमेला है जो कि स्टीराइल कवरिंग है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर आप देखें तो
तो हम ऑपरक्यूलम की बात करते हैं। ऑपरक्यूलम क्या हमने पढ़ा अभी के, वो सर्कुलर लिड है जो कि एट द टॉप ऑफ कैप्सूल मौजूद होगी। पेरिस्टोम फिर हमने पढ़ा एपिफ्रेगम के नीचे कुछ रिंग की फॉर्म में इलॉन्गेटेड टीथ्स मौजूद हैं जो ऑपरक्यूलम के बिल्कुल नीचे, हमने पेरिस्टोम कहते हैं। 32 to 64 टीथ्स हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और डिस्टेंस सी स्पोर्स की डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं। अब पेरिस्टोम ने वाटर एब्जॉर्ब किया, जब स्पोर्स मेच्योर हो जाएंगे तो ये उसको डिस्पर्स कर देंगे। अब पेरिस्टोम जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो डिसइंटेग्रेट करेगा ऑपरक्यूलम को, ऑपरक्यूलम की सेपरेशन हो जाएगी और सारे जो हैं वो टीथ्स वो रिम से बाहर प्रोजेक्ट आउट हो जाएंगे और वो स्पोर्स की डिस्पर्सल में इस तरह से हेल्पफुल होंगे। जहाँ पर भी स्पोर्स स्पोर सॉइल पे फॉल किए वहीं से वो जर्मिनेट होकर एक नया स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम प्रोटोनिमा कहेंगे। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस नहीं आपने स्टडी करने, दहिसंस है उसके बाद कि जो मेच्योर कैप्सूल बना इसमें नॉन स्पोर फॉर्मिंग टिश्यूज़ हैं जो डी जनरेट होंगे और बेसिकली एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द कैप्सूल। कैलिप्ट्रा जो है वो फिर गिर जाता है, स्पोर एक्सपोज हो जाते हैं और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑपरक्यूलम भी फॉल ऑफ हो जाता है और पेरिस्टोम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सीटा कर्व हो जाता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, स्पोर्स जो है वो छोटे छोटे पोर्स की फॉर्म में जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम अ माइन्यूट पोर्स, उसमें से बाहर निकल जाते हैं पोर्स की फॉर्म में, पोर्स के अंदर से। फिर स्पोर का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो स्पोर हम कहते हैं यूनि न्यूक्लिएट है इन स्ट्रक्चर डेट इज सराउंडेड बाई टू लेयर्ड वॉल। दो वॉल्स होती हैं उसके इर्द गिर्द, आपको पता है हमेशा बाहर वाली वॉल ऑर्नामेंटल भी हो सकती है एग्जाइन और अंदर वाली होती है इंटाइन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और आउटर वॉल उसकी बर्स्ट हो जाती है और वो आगे जर्मिनेट कर जाता है जर्म ट्यूब में। ठीक है, वो हमेशा जर्म ट्यूब बनानी है। जर्म ट्यूब जो है वो आगे गिव राइज करती है स्पेशलाइज एलजी लाइक स्ट्रक्चर को जिसको हम प्रोटोनिमा का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी कुछ ब्रांचेस कलरलेस हैं जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाती हैं थ्रू राइजॉइड्स। ठीक है, कुछ इसकी ब्रांचेस क्लोरोफिलस होती हैं क्योंकि उन्होंने क्लोरोफिल की डेवलपमेंट करनी होती है। ये स्पोर्स कुछ इस तरह से जर्म ट्यूब बना रहे होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये जर्म ट्यूब है इसकी। अच्छा, यहाँ पर प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर हमेशा हर स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स ग्रो कर जाती हैं प्रोटोनिमा के साथ अटैच होती हैं। ये बर्ड लाइक आउट ग्रोथ्स जो है ये एपिकल सेल से कट ऑफ हो जाएंगी और आफ्टर कटिंग इट इज़ डेवलप इन टू लीफी गैमेटोफोर। अब देखें स्पोर्स ने अगेन, क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉयड थे तो उन्होंने क्या किया है, स्पोर्स ने आगे जो है क्योंकि वो हैप्लॉयड इन नेचर है उन्होंने आगे फॉर्मेशन की है गेमीटोफाइट जनरेशन की। तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट कर रही है गेमीटोफाइट ने स्पोरोफाइट को जबकि स्पोरोफाइट ने गेमीटोफाइट की फॉर्मेशन की। आपने ओवरऑल देख लिया है कि गेमीटोफाइट ने गेमीट्स बनाए, गेमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स आर्चिगोनियन 3D जिन्होंने एक्सेल और एंथीरोजॉइट्स डेवलप किए हैप्लॉयड इन नेचर। कंबाइन हुए जाइगोट बना ओस्पोर, कंबाइन होने के बाद उन्होंने बनाई स्पोरोफिटिक जनरेशन के फुट सीटा कैप्सूल थे उसके सीटा के अंदर जो है वो बेसिकली कैप्सूल के 3 पार्ट्स हैं एपोफाइसिस थिका और ऑपरक्यूलम जो कि पीछे आपने ऑब्जर्व नहीं किए किसी भी में ये एडवांस्ड हैं। तो इसमें थिका के अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं जो कि स्पोरोजिनस सेल्स कहलाते हैं जो स्पोर फॉर्म करते हैं। ये स्पोर्स जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, स्पोर मदर सेल्स आगे डिप्लॉयड हैं और आगे ये हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्पोर्स नाम देते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, अब ये मियोटिक स्पोर्स जो हैं वो बेसिकली डेवलप हो जाते हैं आगे फर्दर किसके अंदर, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, सॉरी गेमीटोफाइट कहते हैं। ठीक है, इस तरह स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट को और गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट को ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल पॉलीट्राइकम का स्ट्रक्चर है, होपफुली आप इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में दे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगी उसका। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल कॉपी में ये वाली ए डायग्राम ड्रॉ करनी है पॉलीट्राइकम की। ठीक है, जिसमें गेमीटोफाइट और स्पोरोफिटिक जनरेशन है। फिर आपने ये आर्चिगोनिया एंड एंथीरिया की डायग्राम जो है वो अब थ्योरी के लिए याद रखनी है, जबकि प्रैक्टिकल कॉपी में आपने फिर LS ऑफ स्पोरोफाइट बनाना है ये डायग्राम। ठीक है, जिसके साथ आप ये भी मेंशन करेंगे एपोफाइसिस थिका और ऑपरक्यूलम स्पोरोगोनियम के अंदर किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना। ये हमारा ब्रायोफाइट का लास्ट मेंबर था, जब कंप्लीट हो गया कल से इंशाल्लाह फिर हम वेस्कुलर प्लांट्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।